सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया पद हेतु उम्मीदवार प्रियंका कुमारी, निवेदक मुकेश कुमार मधुकर, पंचायत बेलहिया प्रखंड तरैया, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है। मुकेश जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार मधुकर हुआ। मेरी पत्नी प्रियंका कुमारी इस बार बेलहिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है और हम लोग जन सेवा के भाव से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि आपके पंचायत की क्या कुछ समस्या है? यहाँ पे समस्या ही समस्या है। 20 साल से जो नया पंचायती राज शुरू हुआ है उसमें कुछ भी काम नहीं, काम के नाम पर केवल जो है ना, देखिए गांव में जाने के लिए जहाँ पक्कीकरण है, सड़क है, वहाँ भी मिट्टी डाल के चादो नुमा बना दिया जाता है और नहीं किसान का भी जो है ना पानी का जल जमाव का व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है, कुछ काम के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं। अब ये बताइए कि इतना समस्या आपने गिनाया है अपने पंचायत का, और इन सब समस्याओं को अगर हल करने के लिए आपको बैठाया जाए तो ये सब समस्या आप हल कर सकते हैं? जी अवश्य अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि पंचायती राज में जो है ना सबसे नीचे के तबके से लोग के लिए ये ही जो है ना पहले काम किया जाता है। आज की जो अथी है उसमें नीचे वाले को नहीं देखा जा रहा है। मेरा उद्देश्य यही है कि नीचे से ऊपर तक सबका विकास हो, सबका काम हो, इसीलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें जन भावना के जन सेवा के भाव से। आपके पंचायत की जनता स्वतंत्र है, किसी दबाव में नहीं रहती है ना? तो दबाव में तो रहती है, दबाव में क्यों नहीं रहती, दबाव में तो रहती है। और मेरा एक विजन ये है, समझ गए, कि नई सोच नई विचार और भय भ्रष्टाचार जो इस समाज में है उसके मुक्ति के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि आपको अगर जनता चुनती है तो किस तरह से आप जनता के साथ रहेंगे, जनता के सुख दुख में काम आएंगे, ऊंच नीच दूर करेंगे, जनता के द्वार मुखिया या मुखिया के द्वार जनता, क्या सब करेंगे ये बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आम राय और आम सभा के बिना कुछ भी नहीं। मेरे पंचायत में अगर मेरे मुखिया बनने के बाद, ठीक है, आम सभा और आम राय के बिना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आम सभा 20 साल से जो नहीं हुआ है उसका मैं शुरुआत करूँगा और आम राय लेकर ही इस पंचायत का विकास करूँगा। अब ये बताइए कि जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जनता के साथ मिलकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे और सेवा के भावना से हम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए मधुकर जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सिटी न्यूज़ टुडे के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।